बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। आज के आनंद की जय। ग्राम देवता की जय। कठेला समय मात महारानी की जय। हिंगलाज भवानी की जय। जय श्री सीताराम। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। यह आवाज थोड़ी सही कर दीजिए, है ना, थोड़ी सी। सीताराम अब इसी क्रम में श्री महाराज जी को कुछ भक्तगण माल्यार्पण करना चाह रहे हैं। अब मैं उनको इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर मेथाक्रम में बुलाना चाहूंगा। आप यथाशीघ्र मंच पर पधारें। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। इसी क्रम में मंच में हमारे हिंदू हृदय सम्राट कसुंती विधायक जी के सुपुत्र आकाश सिंह जी पधार चुके हैं। हम चाहेंगे माननीय महाराज जी को माल्यार्पण करें। अक्कू भैया माल्यार्पण के इसी क्रम में हम जाएंगे हमारे पिता तुल चाचा श्री राव विलास शुक्ला जी जो प्रबंधक आए महाराज जी का माल्यार्पण करें। राजे श्याम जी उप प्रबंधक आए माला जी का माल्यार्पण करें। राम मिलन उर्फ बल्कू यादव जी व्यवस्थापक के रूप में हैं, आए माला। पवन यादव जी, अजय यादव जी, धर्मराज यादव जी, डॉक्टर रमेश चंद शुक्ला जी, अरुण कुमार शुक्ला जी, प्रदीप शुक्ला जी, राम सजीवन यादव जी, देवीलाल प्रजापति जी, रामजू शुक्ला जी, दिफई काका, सुपूजन गुप्ता जी, मुकेश गौतम जी, गया प्रसाद दुबे जी। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पे आए और माल्यार्पण जी का माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे गति दें। आप जितने बंधुओं का नाम बताया गया है आप लोग अविलंब यथाशीघ्र मंच पर आए, महाराज जी का माल्यार्पण करें और कार्यक्रम को आगे गति देने का काम करें। आप सभी बंधु यथाशीघ्र मंच पर आए। राधे श्याम जी उप प्रबंधक, राम मिलन उर्फ पप्पू यादव जी, इसलिए सबका नाम बोल रहा हूं कि आप लोग अगर कहीं दूर हो तो आस पास आ जाए, यहां आ जाए, मंच पे आ जाए, अविलंब कार्यक्रम आगे बढ़े। राधे श्याम गौतम जी, आइए माल्यार्पण कीजिए। राम मिलन उर्फ पप्पू यादव, चलिए धर्मराज यादव जी यहां दिखाई दे रहे हैं, प्रदीप शुक्ला जी दिखाई दे रहे हैं, आप लोग आइए मंच में आइए। अरुण शुक्ला जी, अरुण शुक्ला
माल्यार्पण करें और अरुण शुक्ला जी आए मंच पर, प्रदीप शुक्ला जी आए मंच पर माल्यार्पण करें, राम सजीवन यादव जी मंच पर आए माल्या महाराज को माल्यार्पण करें, देवीलाल प्रजापति जी मंच पर आए महाराज को माल्यार्पण करें, विपई काका मंच पर आए हमारे महाराज को माल्यार्पण करें, मुकेश गौतम जी मंच पर आए माल्यार्पण करें महाराज का, दया प्रसाद दुबे जी मंच पर आए और महाराज जी को माल्यार्पण करें। आइए सर्वोच्च मंच पर बैठने का और सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय परम पूज्य श्री स्वामी लोकानंद जी महाराज को पुनः आपको कल फिर माल्यार्पण करने का अवसर प्राप्त होगा। जय श्री राधे। जगत पिता जगदीश्वराय नमः। हरि ओम। धेयं सदा परि भवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चन तं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपाल भवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बरसाने की लाडली नंदग्राम के श्याम, इनके चरणन में करो
कोटि कोटि प्रणाम। लोकाभिराम रण रंग धीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम करुणरूपम करुणाकरण तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपदे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजबन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव करहु कलेश दीन बंधु जगदीश्वर सहज दया के धाम जननी जनक आलोकानंद के श्री सीता श्री राम। परम प्रातरफलेश्वर अकारण करुणा वृणाले शिवत्वांचित करते सुमंद पीतामर धारी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को दुकुर बनाना हम जगता के शक्ति प्रदान करें। अनंत बलवंत परम संत श्रीमंत लाल जी महाराज अपने चरणों का दास बनाकर रखे से प्रार्थना है। पूज्य माता पिता जी को कोट कोट प्रणाम जगदा के शक्ति प्रदान करें। माँ हिंगला झोनी माँ कठिना समय माता बाबा राही जी के चरणों कोट कोट प्रणाम जगदा के शक्ति प्रदान करें। देहि में सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जन देहि सुदे दिशो जय। और इसी क्रम में हमारे परम आचार्य श्री सतीश जी महाराज श्री संदीप जी महाराज कोट कोट प्रणाम आपको मंच पर संगत कर रहे हमारे प्रयागराज से आए आर्गन वादक श्री राम शरण जी अयोध्या के धरती से पधारे तबला वादक रमेश तिवारी जी भोपाल से आए वायलिन वादक श्री नागुलाल जी अयोध्या से परम भारे हमारे परम प्रिय यशस्वी तबला वादक नाल वादक श्री भोला जी। और ये जो कथा चल रही है इसको अपने मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग अपने मोबाइल पर स्वामी आलोकानंद जी महाराज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो कथा यहाँ चल रही है ना ये सारी कथा आपको आपके मोबाइल पर मिलेगी क्योंकि ये आगरा से भैया आए हैं और ये पूरी कथा आप सभी के मोबाइल पे जा रही है। YouTube पर इसका प्रसारण हो रहा है तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े और भगवान की पावन कथा को सुने। और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग भोजन आदि कर चुके हों भगवान की कथा में पधारें क्योंकि जान लीजिए मैं इस बार इसीलिए आया इस कथा में। हमारी कथा एक जगह चल रही है वहाँ आप लोगों के नाते और फिर घर पे कुछ विशेष कार्य के नाते मैं आप लोगों के बीच में आया और कथा कहने के लिए कि आप लोगों को आनंद आवे
तो अगर हम अपने कार्य को छोड़ करके आपके मध्य में आए तो आप लोग भी अपने कार्य को छोड़ करके ठाकुर जी के चरण में आए, हनुमान जी के चरण में आए, भगवान भूतभाम भोलेनाथ जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, माता भारती जी को प्रणाम। हमारी कथा के आयोजक समस्त परस्पुर ग्रामवासी क्षेत्रवासी कथा सुनने दूर दराज से पधार रहे सभी प्यारे भक्तजनों, सत्यन सुया सीता जी को चतुर्थता करने वाले पुण्य पूजन वाद बन बेटी, आप सभी को कोटि कोटि वंदन साधुवाद। और देखिए पिछली बार कथा जब पढ़ा था तो चुनाव शायद नहीं था, क्यों बिक्की भैया? पिछली बार जब कथा पढ़ा तो उस समय ना चुनाव था ना विवाह था, है ना? अब की बार कथा ऐसे समय में पड़ा है कि चुनाव भी चल रहा है और विवाह भी चल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूरी सब्जी पनीर ये तो बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन ये कथा केवल 5 दिन के लिए है जिसमें 1 दिन बीत भी गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए प्रेम से भगवान के चरणों मन को लगावे और आज हनुमान जी का पावन जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे भाव के साथ। सब लोग प्रेम के साथ बोलेंगे, राम जैसा नगीना नहीं कोई जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना
सियाराम जय जय सियाराम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। प्यारे ध्यान दीजिए, आज भगवान की कथा का देखिए, हमने पिछली बार राम कथा सुनाया, शिव जी का विवाह, राम जी का विवाह, अब की बार सबका विवाह हो रहा है तो काहे भगवान का विवाह कराऊं। जब किसी का विवाह ना हो तो किसका विवाह होना चाहिए? भगवान का। और जब पूरी दुनिया का विवाह जहाँ देखो वहीं टेंट पंडाल लगा हुआ है, तो अब की हमने विचार किया कि हम सब हनुमान जी की कथा को सुने। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो साढ़े साती अढ़ैया की चपेट में हैं, जिनके ऊपर ग्रहों की बाधा है, जिनके परिवार में कलह है, कलेश है। हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से आपके जीवन का सारा कलेश दूर होगा, ऐसा हमने पढ़ा है। नाशय रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। दुनिया का अच्छा एक बात आप बताइए, जितना कार्य हनुमान जी ने किया उतना राम जी ने भी कभी किया था क्या? बोलिए। हनुमान जी ने महाराज राम जी का तीन हिस्सा कार्य आसान कर दिया। बोलो हाँ जी कि ना जी। तीन हिस्सा कार्य हनुमान जी ने राम जी का आसान कर दिया तो प्यारे राम जी ने जाकर के रावण का वध कर दिया। कल मैंने आपको बताया था हनुमान जी के नाम के विषय में, आज आपको बताऊं हनुमान जी का जो जन्म हुआ। चैत मासे छिते पच्छे हरि दिन्या मघाधिवे नक्षत्रे चा समुत्पन्नो हनुमान रिपुसूदन। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को मघा नक्षत्र में हनुमान जी प्रकट हुए। कौन से महीने में? चैत महीने में मघा नक्षत्र में हनुमान जी प्रकट हुए। देखिए ऐसे कई पुराणों में अलग अलग वर्णन है हनुमान जी के जन्म का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वायु पुराण में लिखा हुआ है कि आश्विन्यस्या सिते पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति मेखले लगने अंजना गर्भात स्वयं जातो हर शिव। यानी कि आश्विन महीने में, अश्विन माने कौन सा महीना होता है? कुवार। कुवार के महीने में कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री हनुमान जी प्रकट हुए। स्वाति नक्षत्र में मेघ लग्न में हनुमान जी माता अंजना के गर्भ से प्रकट हुए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। कहीं कहीं कार्तिक में भी हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की चतुर्दशी को, जिस दिन नरक चतुर्दशी बनता है ना, उस दिन किसका जन्म मनाया जाता है? हनुमान जी का जन्म मनाया जाता है। अच्छा अब आप लोगों को बता दूं कि हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी बचपन से इतने ज्यादा नटखट, अब आपको क्या बताएं। बोले सच्चिदानंद भगवान की इतने बड़े नटखट कि क्या कहा जाए। देखो वैसे बच्चे तो नटखट होते ही हैं, लेकिन हनुमान जी कुछ ज्यादा ही थे। हनुमान जी को सबने कुछ ना कुछ वरदान दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि आप 10 लाख वर्ष तक जीवित रहें। यमराज ने कहा कि मेरे पास दंड के द्वारा कभी आपकी मृत्यु ही नहीं होगी। अच्छा दुनिया को कौन मारता है? यमराज। लेकिन हनुमान जी ने कहा, यमराज ने कहा हनुमान जी हम आपको नहीं मारेंगे,
और जिंदगी भर आप निरोगी रहेंगे, बोली सच्चिदानंद भगवान की। सूर्य देवता ने अपने तेज का सवा भाग हनुमान जी को दान कर दिया, इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी को दे दिया, कुबेर ने कहा कि जीवन में आपको कभी विषाद नहीं होगा और कभी भी गदा के द्वारा हनुमान जी की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कुबेर ने वरदान दिया। भगवान शिव ने वरदान दिया कि कभी यह मेरे आयुध के द्वारा मारा नहीं जाएगा। विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे द्वारा जितने भी निर्मित अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उससे कभी हनुमान जी की मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि ये दीर्घायु होगा, दीर्घायु माने कभी मरेगा ही नहीं, बोली सच्चिदानंद भगवान की, अधिक दिन तक जीने वाला रहेगा। महात्माओं ने कहा कि यह ब्रह्म दंड से कभी नहीं मरेगा। हे वायुदेव, आपका जो पुत्र है सारे संसार के लिए भयंकर होगा, लेकिन भक्तों के लिए अभयदाता होगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अपनी इच्छा के अनुसार जहां जाना चाहेगा चला जाएगा, इसकी कभी गति नहीं रुकेगी, परम यशस्वी होगा और अनेक कार्य करेगा भगवान राम जी के साथ, जिससे राम जी के चरित्र को, राम जी के यश को सारा संसार जानेगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब विचार करना, इतना बल पाने के बाद हनुमान जी बेचारे इतना परेशान करते थे साधुओं को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को। एक दिन की बात, एक महात्मा बैठ करके बेचारे भजन कर रहे थे, हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जाकर के उनकी दाढ़ी उखाड़ ली गोद में बैठ कर। अब बेचारे बड़े परेशान, कोई जैसे स्वाहा करने जाता और तैसे हनुमान जी जाते उसका सुरवा ही पकड़ के तोड़ देते, कभी किसी का परात ही लेकर के भाग जाते जिसमें साकल रखा होता था। एक दिन तो एक महात्मा बेचारे समाधि में बैठे थे, हनुमान जी ने आकर के अपने पूंछ में लपेटा और कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार ऊपर, कई बार नीचे, अंत में महात्मा की समाधि टूट गई। महात्माओं ने देखा कि ये तो दिन पर दिन सबको परेशान करता जा रहा है, क्या किया जाए। कहा कि अगर ऐसे ही ये चंचल रहा तो हमको लगता है कि ना कोई भजन कर पाएगा, ना कोई पूजा कर पाएगा, ना कोई पाठ कर पाएगा, ना कोई साधना कर पाएगा। कहा तब, कहा इसको श्राप दे दो जिससे ये अपना बल भूल जाए, बोली सच्चिदानंद भगवान की, ना बल याद रहेगा और ना बदमाशी करेगा, श्राप दे दो। तो वाल्मीकि रामायण में सातवें सर्ग में 36वें अध्याय में 33वें और 35वें श्लोक में लिखा हुआ है, क्या श्राप दिया ऋषि मुनि महात्माओं ने। ततो महर्षय क्रुद्धा भृगो अंगिरस वंशजा से पुरेन रघु श्रेष्ठ नाति क्रुद्ध्याति मन्यवः बाध से यद समाश्रित्य बलस्मानुप्लवंगम तद्दीर्घ काल वेतासी नास्माकं साप मोहित यदा ते अस्मार्यते कीर्तस्तदाते वर्धते बलम। हे हनुमान, जाओ अपना बल हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, जब कोई तुम्हारे बल को याद दिलाएगा तब जाकर के तुम्हें तुम्हारा बल याद आएगा, नहीं तो अपना बल हमेशा भूले ही रहोगे, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी थोड़े और बड़े हुए। अच्छा, यहाँ के बच्चे जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो पढ़ने लिखने जाते कि नहीं जाते। अब आजकल के बच्चों को तो पढ़ाई लिखाई भी, जब से 2 साल से कोरोना आया है तब से बच्चे बड़े आनंद में हैं, है ना। वैसे कहते हैं ना, वो देहाती कहावत है कि मन तो था ही नहीं, ऊपर से भगवान की कृपा हो गई है? जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वो कहते हैं, हे भगवान ऐसे भाजपा सरकार बनाओ, हमारी योगी बाबा आवे, हर बार हमको एग्जाम देना ना पड़े, अपने आप पास हो जावे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो, ऐसी कृपा हो गई भगवान की कि पिछले बार तो बच्चों को पेपर ही नहीं देना पड़ा, वो तो बेचारे जो ये नहीं जानता था कि
हमारे भारत देश का है? हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता? उससे हमने पूछा कितना नंबर पाए, बोले ज्यादा नहीं गुरुजी, 92%। हमने कहा बताओ, जिंदगी भर रहा डायरी में एब्सेंट, रजिस्टर में रहा एब्सेंट, और लेता रहा बम्बई में हर महीने पेमेंट, और एग्जाम पास करके ले आया 90%। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोलो हाँ जी की ना जी। तो एक तो बेचारे वैसे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, और हनुमान जी बेचारे परम चंचल। लेकिन ऐसा नहीं कि हनुमान जी पढ़ने नहीं गए, हनुमान जी ने जैसे पढ़ाई की वैसे दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन हनुमान जी भार्गव ऋषि के यहाँ पढ़ने गए, कृतिवास रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि हनुमान जी भार्गव ऋषि के यहाँ गए। चार ही दिन में हनुमान जी ने वेद वेदांत सब पढ़ लिया, और जब चार दिन में वेद वेदांत पढ़ लिया, मलयुद्ध की शिक्षा पढ़ ली, तो हनुमान जी को अभिमान आ गया कि हमारे गुरु जी को तो कुछ नहीं आता, अपने गुरु जी से घृणा करने लगे। तो भार्गव मुनि ने कहा, अरे निडर बालक, जब तुझे अपने बल का इतना अभिमान है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा अपना बल हमेशा भूले रहोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, अच्छा सही से बताओ, अगर हनुमान जी अपना बल भूले नहीं रहते तो बाली जितना परेशान करता था सुग्रीव को, बाली कहीं से भी हनुमान जी की बराबरी कर सकता था क्या? एक बार की बात, हनुमान जी एक बगीचे में बैठे फल खा रहे थे, तो बाली जाकर के पहुंचा, तो बाली ने देखा कि ये बेचारे फल खा रहे हो, बार बार कह रहे हैं श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय। फल खा रहे हैं और श्री राम जय राम जय जय राम करते जा रहे हैं। बाली ने आकर के कहा, ऐ बंदर, उस वनवासी का नाम गा रहा है, उस वनवासी के भीतर कौन सी शक्ति है बता। हनुमान जी को लगा बहुत बुरा, हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है? बाली ने कहा कि मेरे सामने कोई आ जाए तो उसका बल आधा हो जाता है। हनुमान जी ने कहा, तो एक काम करो, कल तुम हमसे लड़ो। बाली ने कहा, हमसे आप लड़ोगे? बोले हाँ हाँ लड़ेंगे। हनुमान जी बेचारे लड़ने के लिए व्यवस्था बनाने लगे, एक स्थान चयन किया गया कि यहाँ बाली और हनुमान जी का युद्ध होगा। जब हनुमान जी जाने लगे तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज हाथ जोड़ता हूं, क्या अपने बल का केवल दसवां भाग लेकर के जाना, बस यही आपसे निवेदन है। कितना? अपने बल का दसवां भाग केवल लेकर के जाना। हनुमान जी अपने बल का दसवां भाग लेकर के आए और बाली के सामने खड़े हो गए, लड़े बिल्कुल नहीं। बाली के सामने जैसे खड़े हुए, हनुमान जी का आधा बल बाली के शरीर में चला गया। अब बाली का शरीर लगा कि अब फट जाएगा पूरा शरीर, बाली लगा कि मर जाएगा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, हनुमान जी क्षमा करो। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, है बाली, जिसके केवल दसवें बल के वो भी आधा भाग तेरे शरीर में गया, तेरा शरीर ऐसा हो गया कि तू मर जाएगा, जरा विचार कर, अगर वो तुझसे युद्ध करेंगे तब तेरा क्या होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, इतने हैं हनुमान जी बलवान है? लेकिन बल भूलने के कारण बाली हमेशा सुग्रीव को सताता था और ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। समय बीतने लगा, हनुमान जी बेचारे सुग्रीव के साथ रहते, बल भूलने के कारण बाली का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। हमारे श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब थोड़े से और बड़े हुए तो ये बड़े होने के बाद बेचारे सोचे कि अब हम पढ़ने चले। हनुमान जी पढ़ने के लिए गए, पता है कहाँ? सूर्य देवता के पास। सूर्य देवता को जाकर के कहा, गुरु जी प्रणाम। अब सूर्य देवता देखे, बोले हम तो कहीं आपसे पहले भी मिल चुके हैं। हनुमान जी ने कहा, हाँ हाँ पहले मुलाकात हो चुका है। कहा कब? अब तब तक उनको वो दृश्य याद आ गया कि जब ये छोटा सा था तो हमको खा गया था।
तो सूर देवता बोले हम आपको पहचानते हैं, आप वही हैं ना जो एक बार धरती से उछले थे और हमको पकड़ करके खा गए थे। अरे गुरु जी ठीक ठाक पहचाने, अब तो शिक्षा दे ही दीजिए। गुरु जी बेचारे लगे रोने, अगर हम इसको शिक्षा देने लगे और कहीं शिक्षा लेते लेते पता नहीं कब इसको भूख लग जाए, शिक्षा लेते लेते पता नहीं कब भूख लग जाए, और अगर कहीं भूख लग जाए और कुछ ना मिले तो गुरु जी को साफ। गुरु जी ने कहा भैया क्षमा करना, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाएंगे। हनुमान जी बोले हम तो आप ही के द्वारा शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप चाहे जैसे हमको शिक्षा दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी से सूर देवता ने कहा अच्छा एक बात बताओ, हम चलते हैं आगे आगे, तो जब हम चलेंगे हमारे 12 रथ चलते हैं, 12 घोड़े चलते हैं हमारे रथ में, और ये आगे की तरफ जाते हैं, तो अगर मान लो तुम हमसे शिक्षा लोगे तो जैसे हम सामने बैठे और आप हमारे सामने बैठो तब तो मान शिक्षा का आनंद आवे, हम आपको समझावे आप हमारी बात समझें, लेकिन हम चलेंगे आगे तो जब तुम शिक्षा लेने वाले हो और मुड़ करके चलोगे तो हम तुम्हें शिक्षा कैसे दे पाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की, इधर से तुम आगे रहोगे और उधर से जब हम मुड़ेंगे तो हम आगे रहेंगे, तुम पीछे हो जाओगे, तो हमारा तुम्हारा सामने सामना नहीं होगा, तो तुम पढ़ोगे क्या, हम तुम्हें समझाएंगे क्या। हनुमान जी ने कहा गुरु जी एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा आप हमको शिक्षा दीजिए, हम आपके सामने की तरफ पीछे की तरफ चलेंगे, मतलब हम पीछे की तरफ खिसकेंगे और आप हमारे आगे की तरफ बढ़ते रहना, आप जितने आगे बढ़ेंगे उतने हम पीछे खिसकते जाएंगे और हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने कहा तो हमारी शिक्षा देने का मतलब है क्या रहेगा जब चेला उल्टा चलेगा। हनुमान जी ने कहा गुरु जी मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं अब तक उल्टा चल रहा था, लेकिन जब गुरु जी की शरण में बैठ करके शिक्षा पाया तब से मेरी जिंदगी ऐसी बदल गई कि मैं भी सीधा चलना सीख गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण के सर्ग संग में 36 में लिखा हुआ है कि हनुमान जी कितने ज्यादा विद्वान हो गए पढ़ करके जरा विचार करना। असो पुनर्व्याकरणम ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुखं पृष्टुमना कपिन्द्रः उद्धीरिष्ट गिरिजगाम ग्रंथ महाधर यन प्रमेयः। हनुमान जी व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान, हनुमान जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान, सूत्र वृत्ति वार्तिक महाभाष्य संग्रह अच्छी तरह से हनुमान जी ने अध्ययन कर लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। 9 व्याकरणों को हनुमान जी ने अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया। अच्छा केवल हनुमान जी ये ना समझिएगा कि केवल व्याकरण वृत्ति भाष महाभाष सूत्र इसी को पढ़े हैं हनुमान जी। संगीत के सबसे पहले अगर कोई जनक है तो जानते हैं कौन है? ये जो तबला आर्गन पैड ये जो सब कुछ बज रहा है संगीत, इस संगीत के सबसे पहले प्रवर्तक कौन है पता है? संगीत परिजात के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा हुआ है कि कर्त संगीत शास्त्रस्य हनुमानस्य महाकपि शार्दूल कहलावे तो संगीत ग्रंथकारिणो। हनुमान जी संगीत के आचार्य हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और केवल संगीत के आचार्य नहीं, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, अगर ज्ञान नाम अग्रगण्यम है हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अब आप इसी से पता लगा लीजिए कि हनुमान जी कितने बड़े विद्वान हैं। जब सुग्रीव बैठा था ऋषिमुख पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर बैठा हुआ सुग्रीव जब देखा कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं तो हनुमान जी से कहा कि जाई देखी आवहूं मन में I'm
और जा करके देखो, अगर ये जो दोनों राजकुमार हैं अगर इनका मैल मन में भरा हो तो मैं तुरंत भाग जाऊं यहां से। हनुमान जी गए और हनुमान जी ने रूप किसका बनाया पता है? विप्र रूप धर कपिता है गयो और नाई माथ अच्छ पूछत भयो। हनुमान जी क्या बन करके गए? ब्राह्मण, पंडित जी बन करके गए। अच्छा, ऐसा ब्राह्मण बने, देखो ब्राह्मण कब अच्छा लगता है? जब पोशाक बढ़िया हो, चंदन बढ़िया हो, शिखा बढ़िया हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो तो ब्राह्मण अच्छा लगता है। और हनुमान जी कैसे ब्राह्मण बन करके गए? बाबा जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, कंचन बरन विराज सुबे वरन विराज सुबेसा और कानन कुंडल कुंचित केसा। और प्यारे जब हनुमान जी उनसे मिले तो लगे व्याकरण बोलने, व्याकरण की भाषा बोलने, लगे संस्कृत की भाषा बोलने। अब राम जी बेचारे मुंह देख रहे हैं, हे भगवान नानितम विनीतस्य यजुर्वेद धारण ना सामवेद विश्वम सत्यमेव विभासितुम। अगर किसी ने ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, सामवेद नहीं पढ़ा है तो इतनी अच्छी संस्कृत की भाषा नहीं बोल पाएगा। नूनम व्याकरणम कृतम सेन बहुधा सुतम बहु व्यवहार तानेनम ना किंचित विशब्दितम। अगर उसने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो संस्कृत के श्लोकों को अच्छे ढंग से बोलना उसके लिए असंभव होगा। और ये इतना बढ़िया फर्राटेदार संस्कृत बोल रहे हैं और इतने देर तक बोलने के बाद एक भी शब्द अशुद्ध नहीं निकला, तो इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी कितने बड़े ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा कितने बड़े ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है। तो हनुमान जी की विद्वता के बाद हनुमान जी के विवाह का समय आया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, इसमें से कितने लोग जानते कि हनुमान जी का विवाह हुआ है? नहीं जानते तो सुनिए, हनुमान जी का एक नहीं चार चार विवाह हुआ है। बताऊं कि ना बताऊं? अब बताऊंगा क्योंकि हम इसीलिए आए हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई आप लोग हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी का चार विवाह हुआ है। पहला विवाह सूर्य देवता जब इनको पढ़ाने लगे तो बोले हनुमान जी मैंने आपको सारी विद्या बता दी लेकिन एक विद्या ऐसी है जो बिना गृहस्थाश्रम वाले को नहीं बताई जा सकती, तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा कि महाराज अब हम कैसे क्या करें? अष्ट सिद्धि मिल गई, नवनिधि मिल गई, लेकिन सरकार आपकी कृपा से अगर वह भी विद्या हमें मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो कहा कि इसके लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। तो सूर्य देवता की पुत्री के साथ हनुमान जी का पहला विवाह हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस विवाह के बाद माता जी चली गई तपस्या करने और फिर दोबारा इनके पास नहीं आई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना तो मोबाइल में सर्च करिएगा, आज भी भगवान श्री हनुमान जी अपने पत्नी के पास खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है जिसमें हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। उनकी पत्नी का नाम है स्वरचला। क्या नाम है? स्वरचला। खम्मम जिले में हनुमान जी आज भी विराजमान है अपनी पत्नी स्वरचला के साथ। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जितने लोगों का रिश्ता टूट जाता है, परिवार में एकता नहीं रहती, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होता है ना, वो जाकर के हनुमान जी से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करते हैं कि हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का दूसरा जो विवाह हुआ वो वरुण देवता की पुत्री से हुआ। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वरुण देवता की पुत्री से हनुमान जी का दूसरा विवाह हुआ। और हनुमान जी का जो तीसरा विवाह हुआ वो रावण की नतनी थी जिसका नाम था अनुकुसुमा।
रावण की नितनी, क्या नाम था, अनुकुसुमा, अनुकुसुमा से हनुमान जी का तीसरा विवाह हुआ, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और चौथा विवाह हनुमान जी का एक चित्ररथ नाम का गंधर्व था। एक दिन हनुमान जी बेचारे पहुंचे, चित्ररथ के यहाँ तमाम वाद्य यंत्र रखा था, और हनुमान जी गए तो बेचारे लगे बजाने। अच्छा एक बात बताइए, जो न बजा पाएगा तो किसी ढोलक को मारेगा ढप ढप, हारमोनिया को ची ची कर आएगा, बोलो लेकिन जो जानकार है वो अपना बढ़िया स्वर देगा, बढ़िया शैली से बजाएगा, बढ़िया आनंद से बजाएगा। हाँ जी की ना जी है? भाई तबला आर्गन पैड खरीद लेना आसान नहीं है, क्या है आसान, बोले पैसा दे करके खरीदना आसान है, लेकिन इसको हाथ रख करके बढ़िया से बजाना ये बड़ा कठिन है। हनुमान जी गए और देखा तमाम वाद्य यंत्र रखा हुआ था, हनुमान जी गए और जाकर के सारे वाद्य यंत्रों को हनुमान जी ने तोड़ दिया, और जब तोड़ दिए और वो सारा वाद्य यंत्र उस गंधर्व की बिटिया का था, बिटिया ने जब देखा हमारे सारे वाद्य यंत्र तोड़ दिए गए तो रोने लगी, पिता ने हनुमान जी को पकड़ करके बंदी बना लिया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और हनुमान जी को बंदी बना लिया तो बोले कि बेटी बता इस बंदर को कौन सा सजा दिया जाए, तो जानते हैं बिटिया ने क्या कहा, कहा हम तो यही कहेंगे इसको सजा यही दिया जाए कि इससे हमारा विवाह करा दिया जाए। विवाह तय हो गया, और हनुमान जी को पता ही नहीं था कि विवाह माने होता क्या है। महाराज पंडित जी आए, मंडप लगाया गया और प्यारे भावर पड़ने लगा, एक फेरा पड़ा, दो फेरा पड़ा, तीन फेरा पड़ा, चार फेरा पड़ा, पांच फेरा पड़ा, छह फेरा पड़ा, और सतवां फेरा जैसे पढ़ने जा रहा था तब तक आकाशवाणी हुई, हनुमान जी आप तो ब्रह्मचारी हो, विवाह में काहे फंसने जा रहे हो। बस इतना सुनते ही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। जैसे सुने श्री राम जय जय राम करते हुए भागे, बेचारे हनुमान जी आगे आगे, उनकी दुल्हन पीछे पीछे, हम आपकी पत्नी है रुक जाइए, हम आपकी पत्नी है रुक जाइए, हम आपकी पत्नी है रुक जाइए। हनुमान जी बेचारे रुके नहीं, पत्नी भी पीछा नहीं छोड़ी। जब हनुमान जी लंका जलाए और पूछ बुझाई हो श्रम धारी लघु रूप बहोरी, तो जनक सुता के आगे ठाढ़ भय कर जोर। जब हनुमान जी गए लंका जलाए और हनुमान जी का मुख महाराज धुएं के लपटों से काफी बेकार दिखने लगा, तो हनुमान जी क्या करने लगे, पूंछ बुझाने के बाद अपने हाथ से अपना मुख धोने लगे, क्या करने लगे, मुख धोने लगे। और जब मुख धोने लगे तो प्यारे वो जो राख लगा हुआ था ना, राख से हनुमान जी राख लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और पूरा मुख क्या हो गया, काला हो गया। और प्यारे उसी समय उन्होंने जल में थूका, और ये जो उनकी पत्नी थी जिससे विवाह नहीं हुआ था, वो बेचारी मछली बन करके आई, ध्यान दीजिएगा, मकड़ी बन करके आई और आ करके उस थूक को पी गई, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और बाद में उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम था मकरध्वज, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या नाम हुआ, मकरध्वज। और जब हनुमान जी रावण के, देखो अभी कथा चल रही है ना, लास्ट दिन हम आपको पांच रावण मरेगा ऐसी कथा सुनाएंगे, अय रावण, मैं रावण, अहि रावण, महि रावण, रावण, ये पांच रावण मरेंगे लास्ट दिन, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो हनुमान जी उस समय जाकर के जब अहि रावण लेकर के पाताल ले गया था, तो उस समय जाकर के अपने बेटे से मिले थे कि नहीं मिले थे, बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो हनुमान जी का चार विवाह हुआ, लेकिन अब मजे की बात यह है कि चार चार विवाह करने के बाद हनुमान जी क्या है, ब्रह्मचारी है, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। चार चार विवाह करने के बाद भी क्या है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, बोली हनुमान जी महाराज की जय।
हनुमान जी थोड़े से और बड़े हुए तो शिव जी ने सोचा कि अब ये बंदर कहीं अगर इधर उधर रहेगा तो भटकेगा, अब क्या करें। तो एक दिन शिव जी मदारी बन के आ गए, मदारी बन के आ गए, आज भोले बाबा मदारी बन के आ गए, आज भोले बाबा मदारी बन के आ गए, आज भोले बाबा मदारी बन के आ गए। देखिए ताली नहीं बजाना, ताली बजाने से बहुत बड़ा दोष होता है, अगर ताली बजा दोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, इसलिए ताली बिल्कुल नहीं बजाना। हम लोग आए हैं तो हम लोगों को खिलाए पिलाए जा रहा है तो हम लोग बजाए, आप लोगों को कोई जरूरत थोड़ी है। बस ये जान लीजिए कि जो हनुमान जी को मानता है वही हाथ ऊपर करेगा, आज भोले बाबा दिखाया श्री राम जी को भागे, आज भोले बाबा मदारी बन के आ गए, 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 आज भोले बाबा मदारी बन के आ गए। जी बने मदारी और भोले बाबा बन गए उनके बंदर। अच्छा बंदर देखा होगा आप लोगों ने मदारी वाला, और जैसे मदारी कहता है सबको प्रणाम करो तो बंदर सबको प्रणाम करता है। बंदर वाला नाच आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, सबने देखा होगा है? तो परस्पुर वाले ना देखे तो बड़ी बात हो सकती है, सबने देखा होगा। तो हनुमान जी बेचारे नाच रहे हैं। अच्छा काहे नाच रहे हैं? बोले अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं। चारों भाई देख रहे हैं राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हैं, और तब तक भगवान राम जी ने कहा मैया मैया ये बंदर हमें चाहिए। शिव जी गदगद हो गए, धन्य हो खरीदार बढ़िया मिला है, बोले सच्चिदानंद भगवान की, अगर ये ग्राहक खरीद लेगा तो ये बंदर कभी बिगड़ेगा नहीं। इस नाते बड़े गदगद हुए और लगे नचाने। आहा कवितावली बालकांड के चौथे कविता में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भगवान राम क्या करते हैं। बोले कबहू शशि मागत आर करे, और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कबहू कर ताल बजाई के मागत, मातु सब मन मोद भरे, और कबहू ऋषि आई कहे हठिके, पुन लेते सोई जेही लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा
तुलसी मन मंदिर में बिहरे। मैया ये बंदर मुझे चाहिए। कौशल्या मैया ने कहा हे भगवान हम बंदर का चित्र बना देते तो ये डर जाता है, और आज ये कह रहा हमको बंदर चाहिए। राम जी ने कहा माता जी बंदर नहीं मिलेगा तो तुम्हारा आंचल नहीं छोड़ेंगे। आंचल पकड़ लिया और जिद करने लगे बंदर चाहिए हमें, बंदर चाहिए हमें, बंदर चाहिए। माता जी ने कहा ए मदारी कितने मूल्य का है ये तेरा बंदर। शिव जी ने कहा माता जी अगर अच्छा खरीदार हो तो फ्री में भी ले जा सकता है। अगर खरीदार बढ़िया हो तो ये बंदर फ्री में भी ले जा सकता, ले जाओ। हनुमान जी राम जी के द्वारा खरीद लिए गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब कौशल्या मैया ने कहा बेटा हम क्षत्रिय हैं, हमें शेर पालना चाहिए और तू बंदर पाल रहा है। कहा माता जी शेर पालने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर बंदर पाल लेंगे तो जीवन में इतना बड़ा बड़ा कार्य बंदर करेगा कि शायद कोई नहीं कर पाया होगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की आह। और हमारे हनुमान जी जानते कौन है? सेवक है। और राम जी कौन है? स्वामी। रोज जब भी राम जी घर से बाहर निकलते तो हनुमान जी का एक नियम बन गया था, खड़े हो जाते, ठुमक ठुमक करके नाच दिखाते, राम जी गदगद होते। लेकिन प्यारे इसी बीच में एक महात्मा है जिनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनिया, विश्वामित्र महामुनिया ने सही विपिन शुभ आश्रम जानी, सही विपिन शुभ आश्रम। एक महात्मा है जिनका नाम है विश्वामित्र, और विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। उस समय दो राक्षस प्यारे पूरे भारत में आतंक मचाए हुए थे, एक का नाम था मारीच और एक का नाम था सुबाहु। क्या नाम था? मारीच और सुबाहु। ध्यान दीजिएगा, आतंकवादी आजो हैं और आतंकवादी तब भी थे। उस समय के आतंकवादियों ने निर्णय किया था कि हम पृथ्वी पे धर्म की संस्थापना नहीं होने देंगे, लेकिन प्यारे हमारे राम जी ने सर्जिकल स्ट्राइक उस समय भी करवाया था। अच्छा, हमारे सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था कि नहीं किया था? बोलो, किया था कि नहीं किया था? तो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पूरी दुनिया ने सबूत मांगा, और हमारे राम जी ने भी जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, एक बार मारी सुबाहु के यहां और एक बार लंका में। बोली सच्चिदानंद भगवान की, दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो ये जो मारीच और सुबाहु है ना, इनके द्वारा महाराज डरते रहते हैं नित्य। एक दिन जब विचार हुआ कि अयोध्या महाराज दशरथ के घर राम जी का आगमन हुआ है तो पहुंच गए मांगने, और जैसे पता चला वशिष्ठ जी को कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, राजा दशरथ से बोले विश्वामित्र जी आ रहे हैं। अब राजा दशरथ बेचारे सर पर हाथ रख करके बोले हे भगवान ये क्यों आ रहे हैं, यही हरिश्चंद के समय में भी आए थे, और आने के बाद क्या हुआ था सभी जानते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की है? बेचारे पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया ब्राह्मण के हाथ है? अपने बेचारे डोम के हाथ बिक गए। यहां तक कि जब रोहित मर गया, तारा लेकर के गई अपने रोहित को, महाराज जरा इसको अग्निदान दे दीजिए। राजा हरिचंद ने कहा क्षमा करना, तू थी मेरी मैं था तेरा, जब भूप कहलाता रहा, और बिकते अलग सब हो गए, संतान से क्या नाता रहा। तू मेरी थी मैं तेरा था, लेकिन जब मैं राजा था तब, अब तू रानी नहीं रही, मैं राजा नहीं रहा, पहले कर दे फिर चिता जलाऊंगा। जैसे अपने साड़ी का आधा पल्लू फाड़ने जा रही थी उसी समय राजा आया। राजा ने कहा मैंने सुना है तू बच्चों को चुराती है, बच्चों को मारती है, चल तुझे दंड दिया जाएगा।
महारानी तारा को पकड़ करके ले करके गए और कहा ये बच्चों को चुरा करके मारती है, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। कहा मारेगा कौन? कहा उसी चांडाल को बुलाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की है, ध्यान से सुनिएगा। चांडाल हरिश्चंद को बुलाया गया, हरिश्चंद के हाथ में तलवार पकड़ाया गया, जान रहे हैं कि मेरी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी कहा तारा मुझे क्षमा करना, आज मैं बंधन में हूं और मेरा धर्म कहता है कि मालिक का खाता हूं तो मालिक के लिए करना भी चाहिए। तलवार उठा लिया और जैसे मारने चले तारा को, तब तक धरती कांपने लगी, सभी देवता प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद क्या करने जा रहे? बोले सच्चिदानंद भगवान की। वशिष्ठ जी सोचे वही फिर आया है विश्वामित्र महात्मा, अब अगर कहीं अब की कुछ इसने मांग लिया तो हम क्या करेंगे? तो कहा वशिष्ठ जी आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलेंगे। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा, ब्राह्मणों को लेकर के गया और डरते डरते राजा दशरथ पूछ लिए क्या कहे कारण आगमन तुम्हारा, और कहम सुकरत न लावूं बारा। आपका आगमन कैसे हुआ है? जो कहो वह करें। तो विश्वामित्र जी रो करके बोले कि असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं जाचन आयो नृप तोहि। असुर मुझे सताते हैं, मैं आपके घर मांगने आया हूं। राजा दशरथ ने कहा क्या चाहिए? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सनाथा, मुझे राम लक्ष्मण दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। और केवल मैं सनाथ नहीं हो जाऊंगा, बाली भी अनाथ है, बाली भी अपने आप को क्या मानता है? अनाथ। और कहा कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कृपाल मोहिमारी है तो मैं होव सनाथ। तो बाली भी अनाथ है और हम हूं अनाथ हैं, तो ये अनाथों को उनका दीन बंधु दीना नाथ मिल जाएगा। इस लाते मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। बोले श्री सीताराम भगवान की। राजा दशरथ बेचारे कहे कि प्राण ले लीजिए, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, क्षण महु देह निमिषकवाही, देह दे दूं प्राण दे दूं, सब सुतमो ही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत, सब दे दूंगा लेकिन राम नहीं दूंगा। अच्छा आज आप लोगों को कोई कहे एक तरफ 1 करोड़ रुपया रहे और एक तरफ राम रहे, ईमानदारी से बताओ आप रुपया चुनोगी कि राम? कितने राम चुनोगी जरा हाथ ऊपर करके बताओ, सही सही बताना। वैसे हम 1 करोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन कल 10,000 हम रखे हैं, ठीक हाथ नीचे कर लो। हम कल 10,000 रुपया देंगे और कहेंगे कथा सुनने नहीं आना। कितने लोग ऐसे हैं जो 10,000 लेकर कथा में नहीं आएंगे? हमको लगता है कि पांडाले खाली हो जाएंगे, कि महाराज 10,000 मिली कम से कम खाया पिया जाएगा, राम कथा तो अगले साल सुन लिया जाएगा। हालांकि हम परसपुर की बात नहीं करें, हम बाहर की बात करें, परसपुर वाले तो कभी पैसा वैसा नहीं देखते, ये यहाँ के क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे हैं, बाहर की बात कर रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, ध्यान दीजिएगा। राम देत नहीं बना तो गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। और कहा राम नहीं दे सकता, विश्वामित्र जी ने क्रोध में भर करके कहा राजा दशरथ बच्चों से इतना ममता करता है, तुमको क्या लगता है ये राम तुम्हारी संपत्ति है? अच्छा बताओ राम राष्ट्र की संपत्ति है कि राजा दशरथ की? राष्ट्र मंगल इति राम, जो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है वही कौन है? राम। जिससे पूरे राष्ट्र का मंगल है उस वही कौन है? राम। राम किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की, क्योंकि राजा दशरथ के अंश से राम जी का जन्म राम जी का जन्म किससे हुआ? बोले यज्ञ के द्वारा हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जो यज्ञ से पैदा हुआ वो राजा दशरथ का बेटा थोड़ी है, वो पूरे राष्ट्र का पिता है। लेकिन आजकल तो हमारे यहाँ राष्ट्रपिता किसको मान लिए लोग? महात्मा गांधी को। अच्छा बताओ अगर ये महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है
तो हमको लगता है आने वाले समय में दो चार लोगों को आप राष्ट्र पुत्र भी मान लेंगे, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, राष्ट्रपिता कौन है? जो पूरे विश्व का सम्मान करता हो, जो पूरे विश्व के ऊपर अपना प्रेम बरसाता हो, जो पूरे विश्व के ऊपर अपनी करुणा बरसाता हो, वही कौन है? राष्ट्रपिता बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो भारत के टुकड़े करा देता हो हमारा राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। जो हमारे परिवारों को लड़ा लड़ा करके मार दे वो हमारा राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। जो हमारे भारत देश का बंटवारा कर दे वो हमारा राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देना, खोल करके बोलूंगा क्योंकि हनुमान जी की कथा है। क्षमा करना, वैसे मैं मानता हूं कि बुरा नहीं लगेगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग श्रोता हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राष्ट्रपिता हैं हमारे भगवान राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की। राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दो महाराज मर जाऊंगा। अरे कहा कि एक बात बताए, दान मत करो, सौंप दो। अच्छा, दान करने के बाद आप किसी से कोई वस्तु ले नहीं सकते, लेकिन अगर आप सौंप दीजिए तो दो चार दिन दस दिन के बाद वापस दे सकते हैं। तो कहा कि दीजिए लेकिन दान मत करिए। तो कहा कि महाराज लेकिन, कहा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, पहले अपने बच्चे को देखो कैसा है। अब वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसे आज हम दोनों एक नहीं होंगे, जबकि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मरवाया था विश्वामित्र जी ने, बोली सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन जब राष्ट्र के सम्मान की बात आई तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों एक हो गए, बोली सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि राष्ट्र को बचाना था, बोली सच्चिदानंद भगवान की। कहा कि राजा दशरथ आपका बेटा कैसा? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमाम भागम। ये है सांवला, अब पता नहीं कोई विवाह हुआ है करेगा कि नहीं करेगा, और गुरुजी के साथ भेज दो, गुरुजी के तमाम चला ही है, कहीं लेकर के जाएंगे बताएंगे अयोध्या के राजकुमार हैं, कोई अपनी बिटिया का विवाह कर देगा तो विवाह हो जाएगा, नहीं तो हमको नहीं लगता कोई कोई वर्दख हुआ आएगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनृप संदेश नाश कह पावा। जैसे बताया कि आपके बेटे का विवाह होगा, प्रथम स्कंद बालकांड 207वां दोहा 8वीं चौपाई वहां पर लिखा हुआ है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा अनृप संदेश नाश कह पावा। और जैसे सुना कि बहुविधि, बहुविधि कि बहू कैसे प्राप्त होगी, तो राजा दशरथ गदगद होकर के दे दिए और विश्वामित्र जी लेकर के जाने लगे। तब तक राम जी आए अपने प्यारे हनुमान के पास। हनुमान मैं वन में जा रहा हूं, गुरुदेव के साथ वन में चला जाऊंगा। हनुमान अकेला तेरा मन नहीं लगेगा ना? हनुमान जी लिपट करके अपने राम से रोने लगे, प्रभु मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? कहा तुम्हें पता है मैंने आते समय क्या कहा था? जब जब हो ही धर्म की हानि, पाढ़हि असुर अधम अभिमानि, पाढ़हि असुर अधम अभिमानि, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, गीता में भी कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभित्थानाम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यही तो भगवान कह करके आए थे धरती पर है? तो कहा हनुमान अगर मैं जाऊंगा नहीं तो राक्षसों का वध कैसे होगा, और जब तक राक्षस मरेंगे नहीं तब तक पृथ्वी पे धर्म की संस्थापना कैसी होगी? तो हनुमान एक काम करो, मैं पिछुड़ तो रहा हूं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, तुम चल करके ऋषिमुख पर्वत पर मेरा इंतजार करो, और यहां से जाने के बाद एक दिन मैं तुमसे वहीं आकर के मिलूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुग्रीव जी के यहां हनुमान जी को भेजा,
और प्यारे बाद में जाकर के हनुमान जी से राम जी मिले। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हनुमान जी जाकर के बाली सुग्रीव के यहाँ रह रहे हैं। पहले बाली सुग्रीव में लड़ाई नहीं थी, ठीक क्या बताइए? पहले बाली सुग्रीव ऐसे रहते थे ना कि कहते हैं कि वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाथ बाल और मैं दो भाई और प्रीति रहा कछु बरन ना जाई। हम भाई भाई ऐसे रहते थे कि उस प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। आजो के भाई भाई बड़े प्रेम से रहते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक विवाह नहीं होता तब तक, तब तक भाई भाई प्रेम से रहते हैं। बोलो माता जी गलत कह रहा हूँ कि सही? जब तक विवाह नहीं होता तब तक भाई भाई इतने प्रेम से रहते हैं कि प्रीति रहा कछु बरन न। लेकिन जैसे घर में आई और घर में आग लगाई और तैसे अलगे हुए दादा, अलगे हुई माई। अब दुश्मन बना भाई, दुश्मन बनी भौजाई। हालांकि परसपुर में ऐसा नहीं है, यहाँ तो कोई अपने घर में आग वाग नहीं लगाता। हम बाहर की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कितने लोगों को क्रोध आता? जरा माताओं हाथ ऊपर करना, जिसको जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आता। बोलो बोलो। अच्छा, कितनी माताएं अपने घर में लड़ती हैं? जरा हाथ भर करके बताओ। हम खाली YouTube पर दिखाएंगे बस, कम से कम लोग जाने तो कि हाँ गाँव में भी अच्छा नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई कोई गांव में लड़ने वाला हो क्या, केवल एक के गांव में नाम होना चाहिए? भाई आल्हा उदल बड़े लड़ैया, इनकी बात कही ना जाए। आल्हा उदल इतने बड़े लड़ैया थे तो पूरा दुनिया जानता है, और यहाँ परसपुर में अगर कोई लड़ैया हो तो हम ही आप ना जाने। हाथ उठेगा हम तुरंत दिखाएंगे, और आप लोग फिर बाद में देखना कि हम कैसे हाथ उठाए। क्योंकि ये जो कथा चल रही ना, ये आपकी YouTube चैनल पे चलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आलोकानंद स्वामी जी महाराज के चैनल पे। तो देखिए, पहले भी भाई भाई एक रहते थे, आज भी रहते हैं। कब तक? जब तक विवाह नहीं होता है तब तक। और आप पता है घरों में कलह कब बढ़ता है? जब विवाह के बाद भाई भाई लड़ते हैं तो ये अपने दरवाजे के सामने वाले पर्दे के पास खड़ी हो जाती है, और उसकी पत्नी अपने दरवाजे वाले पर्दे के पास खड़ी हो जाती है। और ऐसे जैसे कोई सांप सांस ले रहा हो वैसे खड़ी होकर के। पता है और जैसे ही बेचारा घर में पहुंचता है, आ गए आ गए, आज तो खाली बस गाली खाए हो, ऐसे समय रहा तब ऐसे सब मारेंगे पीटेंगे, हमारा क्या, हम क्या करेंगे? हम तो खाली मान सम्मान बचाते हैं, नहीं तो अब तक पति के अंदर का जो मर्द था वो जगह बोले तू शांत रह। अब क्यों बड़का भैया बोले? जैसे बड़का भैया बेचारा, अच्छा अब इनकी भी पत्नी सुन रही थी बड़का भैया की भी, वो जाकर के बोली चार बात जो कहे हैं उसकी दुल्हनिया सौ सौ बात दे रही है, वो कही है कि अब की कुछ तब बता में। तब तक बड़का भैया बोले आने दे। बेचारे जैसे पहुंचे बस शुरू हो गया बाली सुग्रीव का युद्ध। अब उसके बाद प्यारे इनका चूल्हा अलग और उनका चूल्हा अलग। बोलो सही कह रहा हूं कि गलत? हम गलत काहे कहेंगे, जो सही वही बताएंगे। वो भी सच्चिदानंद भगवान की। बाल और मैं दो भाई और प्रीत रहा कछु बरन ना जाई। लेकिन बाद में ऐसी भाई लड़ाई। तो अब आप लोग पूछेंगे कि ये बाली सुग्रीव हैं कौन? तो आप लोगों को मैं बताऊं, वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है कि वानरेन्द्र महेन्द्राभि इंद्रो बलिना आत्मजम् सुग्रीव जनयामासम् तपस्तन्नस्तप्ताम्बरः। एक बार की बात, एक पर्वत पे ब्रह्मा जी बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे। और ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे थे
बस उसी समय उनके आंख से दो बूंद आंसू गिर गया। ध्यान से सुनना, दो बूंद आंसू गिर गया, और जब वह आंसू गिरा तो एक बड़ा विशाल बानर पैदा हो गया। उसका नाम था ऋक्षराज। क्या नाम था बानर का? क्या नाम था? ऋक्षराज। ऋक्षराज नाम का बानर पैदा हो गया। एक दिन ये बानर ऋक्षराज अपने घर से निकल करके जंगल की तरफ बढ़ा। चलते चलते इसको प्यास लग गई, और प्यारे जब प्यास लगी तो इसने एक बावड़ी देखा, और बावड़ी में लगा झांकने। अच्छा, जब बावड़ी में झांकने लगा तो इसको इसका चेहरा दिखाई पड़ने लगा। तो इसने कहा कि लगता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति मुझको युद्ध के लिए ललकार रहा है। अब बेचारा बंदर तो बंदर, कपि चंचल सब ही विधहीना बंदर। अब जब इसने देखा तो जब ये हाथ करता तो उस जल में से भी ऐसे हाथ निकलता। तो इसको लगा कि ये बंदर हमको ललकार रहा, बस उसको मारने के लिए जल में कूद पड़ा। और जब जल में कूदा बेचारा बाहर निकला तो एक बहुत सुंदर सिनारी बनकर के निकला। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जो बंदर था क्या बन गया? नारी बन गया। और जब नारी बनकर के निकला, बस उसी समय प्यारे सूर्य देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनका अंश उस नारी के गर्दन पे आकर के गिरा, तो उस नारी के गर्दन से जो बालक पैदा हुआ, सुमाने सुंदर ग्रीव माने गर्दन से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा गया सुग्रीव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आकाश मार्ग से इंद्र जा रहे थे, इंद्र का अंश उसके बाल पर गिरा, और बाल से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा गया बाली। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ गए? बाली की उत्पत्ति कहां से हुई, सुग्रीव की उत्पत्ति कहां से हुई, आप सबको पता चल गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, इसके बाद इंद्र से बाली, सूर्य से सुग्रीव, और बृहस्पति नामक जो देवता है उनके जो बेटा हो उसका नाम था तार नामक वानर। कुमेर के जो बेटा है उसका नाम है गंधमादन नामक वानर। विश्वकर्मा के दुई बेटा हुई, एक का नाम विश्वकर्मा के बेटा हुई नल, यह भी एक बंदर है। और अग्नि के बेटा है नील, यह भी एक बंदर है। मैंद के अश्विनी कुमार के बेटा हुए दुई, एक का नाम था मैंद और एक का नाम था द्विविध। वरुण के बेटा हुए सुसेन नाम के वानर। महाबली परजन्य के बेटा हुए सर्व नाम के वानर। और वायु देवता के औरस पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी आए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, आप विचार करें, हनुमान जी हैं तो एक बंदर, लेकिन लिखा हुआ है कि बानरा राम धीसम, बानरों के अगुआ हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और बानरों के अगुआ कहे हैं, क्योंकि इसलिए बानरों के अगुआ हैं कि जब जब बंदर संकट में पड़े हैं तब तक बचाया किसने है, किसने बचाया है? हनुमान जी ने बचाया है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी को पता होगा कि एक बार रात्रि का समय मैदानों के दो बेटा, एक का नाम था मायावी, एक का नाम था दुंदुभी। मायावी ने जाकर के बाली को ललकारा, बाली ओ बाली बाहर निकल। बाली आया और प्यारे बाली ने कहा सुग्रीव मेरे साथ चलो। सुग्रीव साथ में गया। अब बाली सुग्रीव दोनों साथ में गए, ये भागा एक गुफा में गया। बाली ने कहा कि सुग्रीव मैं गुफा के भीतर जा रहा हूं, और जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा तब तक तू मेरा इंतजार करना। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मेरा इंतजार करना कितने दिन तक? बोले परखे सु मोहि एक पखवारा, और नहीं आओ तो जाने से मारा। एक पाख तक इंतजार करना, करना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। अच्छा, बाली तो बेचारा चला गया भीतर उस मायावी के पीछे। और कुछ दिन तक जब युद्ध हुआ तो कितना दिन बीत गया? बोले मास दिवस तह रयो खरारी, ये बोला था पाक। और सुग्रीव इंतजार कितना दिया? मास। पाक उसने कहा था, और एक महीने तक सुग्रीव रहा वहां। लेकिन एक दिन इसने देखा क्या कि प्यारे उस गुफा के रास्ते से रक्त की धार बाहर आ रही है। अब सुग्रीव घबराया, हे भगवान
कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली को मायावी ने मार डाला। अगर उसने 15 दिन कहा था हम 1 महीना रुक गए, अगर वो बाली जिंदा होता तो जरूर बाहर आता बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब अगर कहीं माया भी आया तो हम ही मारे जाएंगे। इस नाते दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और पत्थर रख करके गया। अच्छा ये कार्य मान लो सुग्रीव ने अच्छा किया कि अपना प्राण बचाने के लिए पत्थर रख दिया, लेकिन एक बात गलत किया सुग्रीव ने, बोले कौन सा, अच्छा अगर चला गया तो जाने के बाद तुरंत रोना चाहिए, परेशान होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, बोलो हाँ जी कि ना जी। लेकिन ये गया तुरंत जाकर के सिंहासन पर बैठ गया और ना रोना ना परेशान होना, सीधे बुला करके बंदरियों को नृत्य कराने लगा। और जब नृत्य कराने लगा उसी समय बाली आया तो देखा दरवाजे पर पत्थर, और पत्थर जब हटाया और पहुंचा तो देखा कि सुग्रीव नाच गान करवा रहा और माथे पर मुकुट लगाए बैठा है। अच्छा बताओ ये संदेह पैदा कर देगा भाई भाई में कि नहीं कर देगा, बोलो। मान लो किसी का भाई अगर गुमशुदा हो गया, मान लो कहीं चला गया, तो भाई का कर्तव्य क्या है, चाहे दुनिया को दिखावे के लिए रोवे, लेकिन एक आध दिन एक आध हफ्ता एक आध महीने तो कम से कम इंतजार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये आकर के जबरदस्ती राजा बन गया। अब बाली आया तो बाली ने ना आओ देखा ना ताओ लगा मारने, और सुग्रीव को मारा ही नहीं, उसकी पत्नी और राज दोनों को छीन लिया बोले सच्चिदानंद भगवान ने। और जब छीन लिया तो ये बेचारा भागा, और भाग करके गया कहाँ, बोले ऋषिमुख पर्वत। अच्छा ऋषिमुख पर्वत जानते कैसे बना, किसको किसको पता है, और नहीं पता है तो जान लो बोले सच्चिदानंद भगवान की। जब रावण के आतंक से ऋषि मुनि महात्मा एकदम त्राही त्राही करने लगे, तो एक दिन एक पर्वत के एक समुद्र के किनारे पर्वत था, उस पर्वत के पास बैठ करके प्यारे सभी ऋषि मंत्रणा कर रहे थे कि रावण का वध कैसे हो। रावण ने अपने लोगों से पूछा आजकल सारे साधु महात्मा कहाँ दिखाई दे नहीं पड़ रहे, कहाँ चले गए ये साधु महात्मा, गए कहाँ हमें जरा बताओ। तो प्यारे गुप्तचर ने कहा कि इस समय सारे महात्मा धरना पर बैठे हैं बोले सच्चिदानंद भगवान, आमरण अनशन कर रहे हैं मौन होकर। रावण गया और रावण ने जाकर के जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सबको तुरंत मार डाला। और चूंकि वहां उस समय ऋषि बैठे कैसे थे, बोले मूक होकर के आमरण अनशन कर रहे थे, मौन होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मूक होकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जाकर के रावण ने सबको मारा, और मारने के बाद हड्डी से जो ढेर लगा वही क्या बन गया, पर्वत। और चूंकि ऋषियों के हड्डी से बना इस नाते ऋष क्या हो गया, ऋषिमुख पर्वत। अच्छा एक दिन मायावी का भाई दुंदुभी जो भैंसा बन करके आया, पाली को ललकारा, पाली पहुंचा और पूंछ पकड़ करके पटका, और प्यारे इतनी दूर आकर के गिरा कि यहां मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम में आकर के जब ये भैंसा बन करके गिरा तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया, अरे बाली तुझे अपने बल पर इतना अभिमान है, तूने दुंदुभी के रक्त से मेरी कुटिया को अपवित्र किया है, अगर आज के बाद तू यहां आया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी नाते बाली वहां जाता नहीं था, कहां ऋषिमुख पर्वत पर। यहां साप बस आवत नाही, और तदपि सभी ते रहो मन माही। बाली नहीं जा सकता था, और उसी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जाकर के आराम से रहता। अच्छा अब एक दिन हनुमान जी को किसी ने पूछा, हनुमान जी आपको बाली का साथ देना चाहिए, सुग्रीव का साथ क्यों दे रहे हैं। अच्छा आप सभी लोग बैठे हैं, जिसके 4 ठू गन हो, जिसके 15 ठू गाड़ी हो, और जिसके जेब में 2-4 करोड़ रुपया हो, आप लोग उसके साथ घूमते हैं कि जो गांव के ललऊ दादा हैं जिनका घर ही में कदर नहीं है, पतो है उनको लात से मारे, उनके पीछे कोई घूमता है, ईमानदारी से बताओ कोई घूमता है क्या, सही से बताओ।
आजकल हम लोग किसके पीछे घूमते हैं? धन बलि, जन बलि और कौन बलि? बाहुबलि। इनके पीछे दुनिया घूमती है। बलिदान न सिंहों का होत सुना, बकरे बलि भेद चढ़ाए गए, और केचुआ कटिया बिन थाए गए, बिसियार को दूध पिलाए गए। कभी किसी पंडित जी ने नहीं कहा कि भैया गुरु जी क्षमा करना, कभी किसी आचार्य जी ने नहीं कहा कि हम शेर की बलि देंगे। पहले किसकी बलि दी जाती थी पता है? बेचारी बकरी की बलि, और बकरा बेचारा खाता क्या है, पाती चार लोग पकड़ लो और तुरंत। अब अगर शेर को बुलाओ और शेर को जब तक आप लोग बलि देंगे तब तक सैकड़ों लोगों को तुरंत बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो बलिदान न सिंहों का हो तो सुना, बकरे बलि वेद चढ़ाए गए। अच्छा केचुआ बेचारा क्या करता है? कृषि विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा होगा तो खेत को उर्वरा शक्ति देता है, लेकिन जैसे बरसात आएगा एक डंडा दो हाथ का रस एक धागा उसी में एक टेढ़ा सा ऐसे क्या क्या बोलते हैं उसको कटिया उसको ले जा करके, और आप देखना बेचारे जो कभी कोई काम काज नहीं करते वह भी बेचारे बैठ करके। वो बेचारे 2 घंटा 3 घंटा अब अगर जरा सा वो हिल गया धागा, ये व्यवस्था चलती है। बोले केचुआ कटिया में न थाए गए, और सांप को दूध पिलाया जाता है ये भय के ही कारण। तो बोले सच्चिदानंद भगवान केचुआ कटिया में न थाए गए, बिसियारे को दूध पिलाए गए, और यहाँ तो ठेकेदार भी हैं। अगर टेढ़ा पेड़ कोई हो कहेंगे पटर में नहीं निकलेगा, लकड़ी के लिए जलौनी भले ठीक है बाकी सीधा वृक्ष हो तो कुछ काम भी आवे। कटवाए न टेढ़े पादप गए और सीधे प्यार चलाए गए, सीधे पे आरे चला दिए गए, और धनियों का बाल न बांका हुआ, निर्धन ही हमेशा सताए गए। धनवानों को वो बेचारे 100 गलती कर दे तब वो न कोर्ट न कचहरी न मुकदमा, और गांव का किसान अगर कोई गलती कर दे तो तुरंत 2000-5000 उसको देना ही देना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, हाँ जी की ना जी, ये स्थिति है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं बाली के साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि बाली अधर्म का सहायक है और सुग्रीव धर्म का सहायक है। धर्म के साथ रहने वाले को कभी ना कभी जीत जरूर मिलती है, और अधर्म के साथ रहने वाले ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते हनुमान जी ने निर्णय किया किसके साथ रहने के लिए? सुग्रीव के साथ रहने के लिए। और प्यारे बीच में राम जी का विवाह हुआ, वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का हरण हो गया, और सीता जी के हरण के बाद राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में जा रहे हैं। और बाबा जी लिखते हैं कि सिमरी की कुटिया में गए, सिमरी ने उनको मार्ग बताया कि पंपा सरही जाओ रघुराई, पंपा पंपापुर जाइए। और प्यारे सिमरी ने राम लक्ष्मण को बताया कि आप पंपापुर जाइए। राम लक्ष्मण पंपापुर आए, और पंपापुर में हनुमान जी ने राम जी का मित्रता किससे कराई? ईमानदारी से बताइए, किससे मित्रता कराया? सुग्रीव का। अच्छा जरा अब यहां हनुमान जी का ज्ञान देखिए, पावक साखी।
अग्नि को साक्षी मान करके। अच्छा, जब राम जी सुग्रीव के मित्र हो गए और सुग्रीव जी राम के मित्र हो गए, तो एक दिन राम जी ने कहा, अगर ये हनुमान ना होते तो शायद आज हमारे मित्र ना होते। हनुमान जी ने कहा, सरकार हमारे इसमें कोई भी वर्चस्व नहीं है, अगर आप दोनों मित्र बने हैं तो इसमें माता जानकी की कृपा है। कहा कैसे? कहा कि जब रावण हरण करने आया था तो राम जी ने जानकी से क्या कहा था कि सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, साखी और पावक में करो निवासा। तो राम जी अगर सीता जी को अग्नि में भेजे ना होते तो शायद सुग्रीव और हनुमान राम कभी मित्र बन नहीं पाते। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो हाँ या ना, समझ में बात हमारी आ रही कि नहीं आ रही? तो सुग्रीव को मित्र बनाने के लिए किसने प्रयास किया? बोले माता जानकी जी ने। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आहा, अच्छा अब जरा विचार करना, राम जी आज अपने जब हनुमान से मिले हैं ऋषिमुख पर्वत के पहले, हनुमान जी राम से मिले, राम को अपने गले लगाया, राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया, और बाबा जी लिखते हैं कि जैसे राम जी ने गले लगाया, हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु एक बात कहूं। कहा क्या? कहा कि हमको गले से न लगाइए, चरण में रहने दीजिए। कहा क्यों? कहा अगर गले लगाओगे तो आधी जिम्मेदारी आपकी और आधी जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, जब किसी को आप गले लगाते हैं तो आप भी ऐसे पकड़ते हैं तो वह भी ऐसे पकड़ता है, तो आधी जिम्मेदारी आपकी आधी जिम्मेदारी उसकी। और कहा जब हम चरण में रहेंगे तो प्रभु हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस नाते त्राही त्राही प्रेमाकुल, प्रेम में व्याकुल होकर के, प्रेम में भावात्मक होकर के हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। और बाबा जी लिखते हैं क्या? शिव जी कथा कह रहे हैं पार्वती जी को, और जैसे हनुमान जी राम जी के चरण में झुके तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आहा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता जब हनुमान हमारे चरण में, हनुमान राम जी के चरण में झुके थे और राम जी का हाथ हनुमान जी के सिर पर था, तो सो सुख उमा जाई नहीं बरना। उस सुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और प्यारे, इसके बाद राम जी ने सुग्रीव से पूछ लिया कि जब से हमरी से मुख आए तुमको उदास ही पाते, जब से हमरी से मुख आए, जब से हमरी से मुख आए तुमको उदास ही पाते, तुमको उदास ही पाते। सुग्रीव तुम्हें चिंता में देख हम भी चिंतित हो जाते, चिंतित हो जाए।
जब हम तुम्हें देखते तो चिंतित हो जाते हैं। सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरा जो भाई है मेरी पत्नी को छीन लिया है, मेरा राज ले लिया है। राम जी ने कहा कि सुग्रीव चिंता ना कर, मुझे हनुमान की सौगंध है। क्या राम जी कहते हैं कि जो अगर मैंने सुग्रीव बाली का वध नहीं किया तो मैं भी दशरथ नंदन राम नहीं, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली ही एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, एक बाण मारूंगा। अच्छा कई लोग कहते हैं राम जी ने बाली को छल से मारा, छल से मारा। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि राम जी ने बाली को छल से मारा? बताओ, रामायण में आपने क्या देखा है कि बाली को छल से मारा? लेकिन मैं आज इस रहस्य को आपको बताने जा रहा हूं कि राम जी ने बाली को छल से नहीं मारा, राम जी का बाली के साथ बाकायदा युद्ध हुआ। राम जी ने कहा कि बाली तू मेरा काका है। क्या है? काका। और मैं तुमको आदेश देता हूं, जितना अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास है तुम हम पर छोड़ दो, जितना अस्त्र शस्त्र है तुम हम पर छोड़ दो। लेकिन काका मैं एक बात कहता हूं, एक बाण में तुम्हें मारूंगा, अगर उस बाण में तुम मर नहीं गए तो मुझे अपने पिता की सौगंध, धनुष बाण उठाऊंगा नहीं और दोबारा तुम पर बाण चलाऊंगा नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बाली ने जितने अस्त्र शस्त्र थे सब उठा दिए और सब राम जी पर चला दिए, लेकिन राम जी का बाल बांका नहीं हुआ। और जैसे राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ाते ही जा करके प्यारे लगा और बाली धड़ाम दी धरती पर गिर पड़ा। बाली ने कहा काका क्षमा करना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सारे बाणों का प्रयोग कर लो, सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर लो, मैं केवल एक करूंगा। अगर उसमें तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो फिर सौगंध है मुझे कि मैं कभी धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। अब बाली ने कहा कि पता चल गया। राम जी ने कहा क्या पता चल गया? कहा कि प्रभु जिंदगी में जानकी मिलेगी नहीं। कहा क्यों? कारे जो सुग्रीव अपनी पत्नी को हमसे छुड़ा नहीं सका, वो लंकाधिपति रावण के यहां से जानकी को छुड़ा करके ला पाएगा? अरे आप हमसे मिलते शाम तक जानकी आपके पास होती। राम जी ने कहा कि बाली तुम बलवान हो, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन एक गलती है तुम्हारी। बाली ने कहा क्या? कहा अनुज बधू भगनी सुतनाथ और सुन सन कन्या, ध्यान देना, सुन सठ कन्या सम ये चारी और इन्हीं को दृष्टि बिलोकत जोई और ताही बधे कछु पाव न हो। आप लोग कथा सुन रहे हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर बार विवाह ही कराना उचित नहीं होता। विवाह से खाली आप लोग नाच लोगे, गा लोगे, आनंद कर लोगे, लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। अच्छा हनुमान कथा से कुछ नई बातें मिल रही कि नहीं मिल रही? बोलिए माताएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं? अब विचार करना, अनुज बधू कभी भी अपने भाई की पत्नी पे कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए, भगिनी बहन पे कभी कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। अब बहन एक की नहीं होती, बहन तो पूरे विश्व की बहन अपनी बहन होती है। बोली सच्चिदानंद भगवान की, जिससे अपना विवाह हो जाए वह अपनी पत्नी बनती है, बाकी उसके अलावा संसार की प्रत्येक नारी या तो बड़ी है तो कौन है? बहन है। छोटी है तो अपनी बेटी के समान है। बोली सच्चिदानंद भगवान की, और अपनी बेटी के तरफ, अपनी बहन के तरफ
इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई बाली, अगर इनको कोई कुदृष्टि करता तो ताही बधे कछु पाप ना होई, उसका अगर गला भी काट लिया जाए तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं होगा। अब बाली को याद आया, अरे राम राम, तारा ने मुझसे बार बार कहा था ये पाप छोड़ दो, ये पाप छोड़ दो, सुग्रीव की पत्नी को वापस कर दो। सुग्रीव की पत्नी का नाम जानते क्या था? रोमा। रोमा को वापस कर दो। लेकिन बाली कहता है कि मैं नहीं माना प्रभु, आज मैं मृत्यु के सैया पर आ गया, लेकिन प्रभु आज हाथ जोड़ करके आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, दोगे क्या? राम जी ने कहा काका जो मांगना हो मांग लो। तो जानते क्या मांगा? अपने अंगद को बुलाया और अंगद को बुला करके कहा कि राम इस अंगद का हाथ अपने हाथ में ले लो। अच्छा बाली माने जानते क्या होता है? बाली माने क्या होता है पता है कि नहीं पता है? गुजरात में बाली माने होता है बुजुर्ग। बाली माने क्या होता है? बुजुर्ग। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, अपने बेटे को डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर वर्सियर बनाइए, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने एक बेटे को सज्जन जरूर बनाइए। हो सकता है बुढ़ापे में डॉक्टर को टाइम ना मिले, वर्सियर इंजीनियर को टाइम ना मिले, हो सकता है और किसी को टाइम ना मिले, लेकिन अगर आपका बेटा है कोई सज्जन है, शिक्षित है, सत्संगी है, तो जब किसी को टाइम नहीं मिलेगा तो वही बेटा आपका साथ देगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आपने सुना होगा कि एक बार एक पिता जिसके तीन बेटे थे, एक बेटा डॉक्टर बन गया अमेरिका में, एक इंजीनियर बन गया लंदन में, और एक बेटा जो था पढ़ा लिखा नहीं था। पिता बड़े अभिमान से चलता, मेरा एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर। लेकिन प्यारे जब पिता की तबीयत खराब हुई, माँ ने कहा जरा बेटे को फोन करो आ जाए, उसके साथ हम लोग रहें तो हो सकता है कि अच्छी दवाई करा देगा, हम ठीक हो जाए और आप ठीक होंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बच्चे ने प्यारे जैसे ही फोन सुना पिता का, फोन सुनते ही कहा पिताजी 2 करोड़ 4 करोड़ की जरूरत हो तो भेज दूं, लेकिन क्षमा करना मैं नहीं आ पाऊंगा। पत्नी ने कहा बेटे ने क्या बोला? कहा वो कह रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा इंजीनियर को फोन मिलाओ। इंजीनियर को फोन मिलाया, बोले बेटा तेरे पिता की तबीयत खराब है, ये तेरे साथ रहना चाहते हैं। बेटे ने जवाब दिया कि शहर में रहता हूं, 3 कमरे का मकान है, पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, 4-6 ठो रिश्तेदार नातेदार इष्ट मित्र आते रहते हैं, और इसी में ये भी आ जाएंगे, एक तो गांव देहात के बुजुर्ग हैं ये, हमारे पर्सनालिटी के अनुसार रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे पता नहीं, क्या बोलेंगे क्या चालेंगे, हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी कि ये इतने पढ़े लिखे हो कितना इतना गवार। माता जी क्षमा करना, पैसे वैसे की जरूरत भेज दूं, लेकिन पिता को नहीं बुला सकता। और जानते हैं क्या हुआ? जब पिता ने और माता ने सुना कि इंजीनियर ने भी मना कर दिया, तो जो 100-200 रुपये मजदूरी करके रिक्शा चला करके लाता था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, उसने जब सुना पिता की तबीयत खराब हुई तो तुरंत भाग करके आया, कहा पिताजी क्षमा करना, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, आप उनके साथ रहोगे, वो आपकी सेवा करेंगे, हमको भी आनंद मिलेगा, मैं बहुत अच्छा तो नहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे पास रहेगा मैं सेवा जरूर करूंगा। पिता ने दौड़ करके अपने उस बेटे को गले लगा लिया और गले लगा करके कहने लगा कि हे भगवान सारे बेटे तेरे जैसे क्यों नहीं हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, एक बेटे को सज्जन जरूर बनाना प्यारे, जिंदगी में वही काम आएगा जब कोई काम नहीं आता। इसी नाते हमारा आप सबसे निवेदन है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताए।